हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज आप देख रहे हैं ये सैलून का सीन है और यहाँ पे हम लोग आए हैं टुक टुक के हेयर कटिंग के लिए। अब एक्चुअली कभी टुक टुक अकेले हेयर कटिंग के लिए नहीं जाता है, या तो वो मेरे साथ जाता है या तो वो अपनी गुड़िया दीदी के साथ जाता है। और फर्स्ट टाइम वो अकेले चुपचाप से कटवा रहा है। आप देख सकते हैं एकदम चुपचाप सीधा बच्चा के जैसा बैठा हुआ है, नहीं तो हर बार इतना ज़्यादा ये रोता था, मतलब उसके पास या तो हम या तो उसकी गुड़िया दीदी, दोनों में से किसी को खड़ा होना है तभी हो सकता है। ये सैलून जो है इसका नाम लक्ष्मी सैलून है और ये हम लोग के घर के जस्ट बगल में है और काफ़ी अच्छे से ये हेयर कटिंग करते हैं ये अंकल जो है, बहुत ही अच्छे से। और बच्चों का तो खास ध्यान रखते हैं, पहले सैनिटाइज़ वगैरह कर लिया गया था, हालांकि मास्क टुक टुक नहीं पहना है क्योंकि इसका चेहरा ही इतना छोटा है इस वजह से। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये टुक टुक अपना हेयर कटिंग कटवा रहा है। और मेरा साइड मिरर में आप देख सकते हैं कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, थोड़ा और तो लग रहा था बट कोई नहीं, टुक टुक के लिए हम लोग कहीं भी चले जाते हैं कि वो है ही इतना प्यारा है ना। और आपको एक और बात बता दें कि फर्स्ट टाइम टुक टुक ने खुद से कहा कि दीदी मुझे हेयर कटिंग कटवाना है क्योंकि मेरे बाल बहुत बड़े हो गए हैं और उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि कोचिंग में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो देख सकते हैं कैसे वो मुझे मिरर से देख रहा है और मैं क्योंकि उधर से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी अच्छे से, तो इसलिए मैं मिरर से इसका रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और मतलब इसके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने सभी लोगों ने अपना हेयर कटिंग कटवा लिया, तो हो सकता है उनको देख करके वो इनकरेज फील किया हो और उसे भी मन कर रहा हो हेयर कटिंग कटवाने के लिए, तो इसलिए वो हेयर कटिंग कटवाया है और बिना कुछ रोए बिना कुछ कहे एकदम चुपचाप साइलेंटली हेयर कटिंग कटवा रहा था और मिरर से मुझे देख देख कर स्माइल कर रहा था। आप देख सकते हैं कैसे वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है क्योंकि हम बाहर खड़े थे, अंदर जा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे तो अंदर जाना अलाउड नहीं था। मतलब अलाउड की क्या बात है, मतलब खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था कि अंदर क्या जाना है, इसलिए हम बाहर से ही इसका रिकॉर्डिंग कर रहे थे। वो मुझे मिरर से एकदम एकदम देख ही रहा था, मतलब उसे एकदम हिलना नहीं था, पहले ही बोल दिया था कि टुक टुक हिलना मत, अगर हिलोगे तो फिर तुम्हारा बाल सही से कटेगा नहीं और तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगने वाले हो, तो इसलिए टुक टुक एकदम चुपचाप हो करके अपना हेयर कटिंग कटवा लिया। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आने वाला है, पता नहीं शायद इसको अस्तूरा कहते हैं, तो ये तो बहुत ही रिस्की होता है ना, तो इसलिए हम टुक टुक से कहे थे कि टुक टुक एकदम मत हिलना, नहीं तो अगर तुम हिलोगे तो तुम्हारा साइड पूरा कट जाएगा और एकदम अच्छा नहीं लगेगा। और हालांकि मुझे भी बहुत डर लग रहा था इसलिए हम थोड़ा अंदर चले गए थे कि पता नहीं वो सही से कर रहे हैं या नहीं, हालांकि वो अंकल काफ़ी ट्रेंड है बट फिर भी थोड़ा सा डर लग रहा था कि ये अच्छे से रहे नहीं तो फिर इसका खोपड़ी उपड़ी कट ना जाए, इसलिए एकदम सावधानी से इसका हो रहा था। और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि लड़कियों का तो ऐसा होता नहीं है, बॉयज़ का ये ऐसा होता है, पता नहीं वो कैसे करवा लेते हैं, बट आसानी से बहुत अच्छे तरीके से उसने करवाया और ये काफ़ी ज़्यादा खुश भी था और खुश इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को दिखाएगा कि देखो मेरा भी हेयर कटिंग हो गया है और हम भी अच्छे लग रहे हैं। लास्ट में पाउडर वाउडर लगा करके अंकल इसका झाड़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि अंकल रहने दीजिए अब घर पे जाके नहाना ही है इसको, और इसे इतनी ज़्यादा गुदगुदी हो रही थी कि मुझे ही मत एकदम गुदगुदी के कारण इसको हंसी भी आ रही थी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कैसे ने टुक टुक अपना हेयर कटिंग कटवाया और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी लगने लगा, हालांकि ये तो पहले से ही स्मार्ट है बट हेयर कटिंग के बाद कुछ और भी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है ना। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग मेरा काफ़ी अच्छा लगे, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप मेरे इस छोटे से व्लॉग को एंजॉय कीजिए। बाय, हैव अ गुड डे। In my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. Double vision 'cause of you.
time, there's no turning back.